जल्दी बोल, झगड़ लो उसको अंदर सकते हैं एक साथ। हाँ कौन है? शमशान से, कब्रस्तान से, कहाँ से? हाँ कहाँ से? कौन भेजे उसके आंग में? कौन भेजे वो? उसके माँ के खानदान के थे, बाप के खानदान के थे, ससुराल की तरफ के थे, किधर के लोग थे वो? जकड़ लो इसके हाथ, उनके जकड़ लो, तोड़ देंगे उसके दोनों हाथ, जकड़ लो तेज एक साथ में। जोर से और जोर से, पूरी ताकत लगाते दोनों हाथ तक काट देंगे। हाँ बता जल्दी। चलाओ इसके हाथों में तेज से आग बढ़ा। क्या बोले थे? मार दो बोले इसको, तड़पा तड़पा के मारो बोले। हाँ जलाओ, लगाओ बोले, लगाओ बोले उसको। नहीं क्या बोल के भेजे लाए? नहीं 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 छोड़ना के नहीं छोड़ना तुझे अभी। याद आया? याद आया? चलो पढ़े कपड़ों को बिस्मिल्लाह रहमान से, नाम से बोल, जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, दो टुकड़े कर दूंगा, काट लू क्या टुकड़ा? मुंडी काट के बाहर टांग दू? हाँ चल बता जल्दी, कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान से, कब्रस्तान से? क्या बोले? उसको फुला फुला के मारो बोले बच्ची को, बीमारी लगाओ बोले। उसका खून तुम लोग पी रहे अंदर बैठ के, खून कम कर दिया उसके शरीर में से तो। मार डालेंगे कब? अम्मास में, पुन्नम में, कब कब मारने का बोले थे? अम्मास में मार दो बोले, क्या पुन्नम में मारो बोले? कब कब मारो बोले? कब मारो बोले? हाँ कब मारो बोले उसको? अम्मास में, पुन्नम में, उसको तेज एक साथ में। हाँ कब मारो बोले उसको? अम्मास में, पुन्नम में। जादू चलाते टाइम में क्या लिए थे बच्ची का? क्या लिए थे? कपड़ा, चप्पल, मट्टी, बाल, क्या लेकर गए थे? छोड़ते तो नहीं रहते, एक बार नहीं छोड़ते, एक बार भी नहीं छोड़ेंगे तुझे, तेरे हाथों वाथा सब काट के जला दूंगा, काट दू पूरा कर दू मसम, जलाओ उसके हाथों की सारी शक्ति खत्म करो। जल्दी सवाल के जवाब देगा तो छोड़ देंगे। हाँ औरत ने पकड़ के ले आदमी लाया। कौन है वो? इसके ससुराल की तरफ किए के मायके की तरफ किए वो? क्या आदमी है? कौन है जादू करने वाला? नहीं नो, नहीं नो, नहीं नो, नहीं नो, नहीं, पूरा जला के राम कर देते थे, छोड़ दो नहीं थे, एक बार भी नहीं छोड़ेंगे। याद आगा? नहीं। याद आया क्या कौन डाला तो?
जलाओ उसके पेट में से भी, आग लगाओ अंदर से। पीवो निकल, पानी डालो इसमें थोड़ा। हाँ जलाओ उसके पेट में से भी, आग लगाओ। अब याद आगा कौन खिलाए थे उसको दवा, वो कौन खिलाए थे, कौन खिलाए? जितना नहीं बोलने में लेट करेंगे तुम लोग उतनी मार पड़ेगी। सब जोर से बोल, और उसके मरत के भी साथ झगड़े लगाओ बोले थे। शादी हुई क्या उसकी? हाँ झगड़े भी लगाओ बोले थे। हाँ बच्चे कितने कर रहा, हाँ शोहर को भी परेशान कर रहा, उसके कमाई धमाई की बरकत उड़ा दे रहा था, किरकिरे भी लगा रहा दोनों में। चलो इसके हाथ काट लेंगे, इसके जकड़ लो इसके हाथों को तेज से, इन्हें मेरे जादूगर क्या बोला? छोड़ दो। सवाल के जवाब दे दे फिर तेरे को सोचेंगे छोड़ने का। बोल छोड़ दो। हाँ दे रहा, हाँ सही सही बोल कि बच्ची को कब मारने वाला था, अम्मास में के पुन्नम में? हाँ कब ताकत मिल रही तुझे ज्यादा मारने के वास्ते, अम्मास में पुन्नम में? हाँ कब, कब अम्मास में के पुन्नम में? नहीं नहीं छोड़ तेरे कैसे, कितने साल से है, कितने साल से जाने का है ना? हाँ उसको मार के कैसा ले जाने का, उसको डायरेक्ट सुसाइड करने का है उसके हाथ से, क्या उसको एक्सीडेंट करा के मार रहा तू, क्या बीमारी पे डाल के मार रहा? हाँ जल्दी बोल, मुझे सब मालूम है, मगर मैं इन लोगों को पूछा रहा हूँ तेरे जबान ही क्या मकसद है तेरा। तो उदार के अंदर नाला आपको उसको मार मार के चिंदा करके उसको लाओ मेरे सामने दूसरी चक्कर तक, उसकी सारी ताकत कम करो अंदर बैठ के, बहुत नस नस में भीन के ताकत आ दिखा रहा हूं तो, और उसकी सारी ये दवा को उल्टे और जुलाब लगा के बाहर खींचो तेज एक साथ में, और दूसरी चक्कर में मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगा कमीने, दूसरी चक्कर तक आगे मुझे नाम बयान करेगा, कौन डाले थे उसके आंग में, कहां से आया था तू, शमशान से, कब्रस्तान से, कितने लोगों को तूने मारा, इसको कब मारने वाला, सारी दास्तान बयान करेगा। जब तक झगड़ कर रखो उसको, उसके नस नस में से उल्टे लगा के जुलाब में सारी दवा बाहर खींचो। पानी लगे पानी पियो, गिलास पकड़ो। ये जो शैतान है ये लाके खिला के उसके नस नस में बिनाने वाला है, उसकी जैसे क्या बोलते हैं वो उल्टियां या जुलाब होके दवा निकलेंगे बाहर, और जो दवा है वो खिलाकर छोड़े वाला है हमें, खुद ब खुद कहीं से आए वाला नहीं, अगर खुद ब खुद कहीं से आए वाला रहता तो इस बाइज्जत अभी निकलता था और चले जाता था, उसको दुनिया की मार पड़ी अभी, मगर फिर भी उन्हें क्या बोल रहा मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरा वक्त उसका करीब आया वाला है, उसकी जान उसको ले जाने के वास्ते, और दूसरी बात उसके अंदर बैठ के पूरा उसके नस नस में भिन गया है दवा, और वो दवा और वो मिलके उसको बाहर से तो बच्ची बहुत मोटी ताजी दिख रही होंगी, मगर अंदर से उसको कमजोर करा दिया, और दूसरी बात पूरा उन्हें
जब बैठियाला है जिसका मतलब उन्हें अंदर का खून उसका पी पी के उसको खाली फुलाते जा रहा, कमजोर करा के खत्म करने का था। और बोल रहा ना हो कि मार देने का तो है, मार देने का है, मगर अभी नाम बयान नहीं कर रहा, वो तो वफादारी नहीं पा रहा। अभी उसको जंजीरें डालेंगे, जंजीरें डाल के जब अमल के दौरान में उसको फौज मारेंगे, उसको लिड़ा लिड़ा के उसकी सारी शक्तियां खत्म करेंगे, और जब उसकी शक्तियां खत्म होंगी फिर आएंगा और आके फिर दूसरे राउंड तक इंशाल्लाह ताला कौन डाले थे, क्या दास्तान थी, कब मारने वाला था, वो सब इंशाल्लाह तफसील में पूछेंगे। और सबसे अहम बात ऐसी रहती कि अपने को ऐसा लगता है ऐसा कुछ रहता क्या नहीं, कि ऐसा कुछ है क्या नहीं, कि सब है अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, पढ़ो तो हम समझेंगे, जिन्नात है, शैतान है, जादू टोना है, वबाएँ हैं, बलाएँ हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता था पहले, मगर मेरे को भी अल्लाह ने प्रैक्टिकल में इलाज के दौरान में धीरे धीरे सारे राज खोला, तो मेरे को पता चला। क्योंकि खुदा की कुदरत की खास बात है अल्लाह की, कि अल्लाह तुम अगर डायरेक्ट सब इल्म नहीं देता, स्टेप बाय स्टेप तुम फिर राज खोलता, और जैसे स्टेप बाय स्टेप राज खुले तो मेरे को भी पता चला कि हाँ ऐसी भी चीज़ें रहते हैं, हाँ ऐसा भी है, हाँ दवाई के भी तरीके अलग अलग है। मैं खुद ये दवाई की बातों को नहीं मानता था, मैं क्या समझता था, अरे बचपन से शैतान निकालता, मैं बचपन से लोग आते थे मेरे पास, वो मसला नहीं, मगर कि जो दवाई खिलाए लोग बोलते थे दवाई है, मैं क्या समझता था, कितने झूठे बात कर रहे लोग, कितने साइकोलॉजी इनकी फेल है, ऐसा सोचता था मैं कि रात का खाया वाला सुबह तक इंसान के पेट में ना, जानवर के पेट में नहीं रहता, तो दवाई सालों साल कहाँ से अटके वाली रहेगी। मगर मेरे को वाकई में बताया कि दवाई के बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग बढ़ते जादू टोने की चीज़ों के, वो भी अंदर अलग अलग तरीके से जिसम में बढ़ती, कलेजे पे, उसके बाद में पेट में, उसके बाद में तुम्हारे खून के अंदर, बहुत अलग अलग सिस्टम उसके दिमाग के अंदर, वो सब उसी वो जादू पे डिपेंड करता हो, कहाँ जाके बढ़ना, कैसा बढ़ना हो, जादू के वार पे, तो उस तरीके से बीमारियाँ वबाएँ सब लगा देते। और ऐसे से इंसान क्या होता है, जब वहाने पे वार चलते ही अंदर से परेशानियाँ होती, तो वो क्या समझता, मैं बीमार हूँ, कुछ तकलीफ हो रही, दवा खाने को जाते, दवा को खाते, एक बार, दो बार, तीन बार दवा खाने को जाने के बाद बार बार भी अगर तुमको राहत नहीं मिल रही, तो तुम समझ जाना कि वो दवा गोली का खेल नहीं है, वो दवा साज का खेल नहीं है, उनको जड़ी बूटी से दुआ पानी से इससे राइट नहीं होने वाला, वो अमल अमलियात का वार है, उसको उसके तरीकों से ख़त्म करना पड़ता। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, इबादत की रस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से थाम के रखना। तुम अगर इबादत की राह पे पहले से रहेंगे तो तुम तो जादू टोना नहीं चलेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया, तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले करके जाके कहीं खाना खाएंगे, दुआ पढ़ के खाना खाएंगे, अल्लाह को बोलिए कि ये वबाओं से बलाओं से कोई कुछ आफत कर रहा, कोई कुछ खेल कर रहा, तो तुम महफूज रख, तो यकीनन तुम महफूज रहेंगे। तुम घर से बाहर निकल रहे और बाहर जिन्नात ठहरे आले तुम्हारा रास्ता देखते हुए हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट करने के वास्ते, और तुम यहाँ से दुआ पढ़ के निकले, तुम्हारे साथ में फरिश्ते निकलते अल्लाह के से और तुम्हारी हिफाजत। हाँ यकीनन तुम हक पे रहे तो, और तुम ना हक रहे के दुआएं पढ़ के जाएंगे तो फिर यकीनन तुम पर, क्योंकि फरिश्तों की मदद ये तुमको कैसे मिलेगी, हक पे मिलेगी ना, तुम हक पे रहेंगे तो तुम दूसरों के घर गर्म पानी से जलेंगे और बाद में बोलेंगे हमारे फरिश्तों की फौज भी होना, हम फौज के साथ जाएंगे, हम महफूज रहेंगे, तो फिर यकीनन तुमको जहन्नुम में तो जाने वाले तुम, और उससे पहले दुनिया में भी तुम्हारे जहन्नुम के नजारे बता देंगे, जिन्नात शैतान सब मार के तुम्हारे वक्त से पहले रूह निकाल देंगे तुम्हारे जिसम से बाहर। ये जिन्नातों में, शैतानों में, ये सब में ऐसी बातें हैं, इन्हों वसवसे डालते, दिल दिमाग को कंट्रोल में ले लेते, रोडों पे एक्सीडेंट करते, तुम पहुंचने से पहले उन्हें पहुंच के हाईवे पे खड़े हो जाते, उठा के तुम्हारे गाड़ियों को पलट देते, गाड़ी को पकड़ लिया दूसरे गाड़ी को ठोक देते, बहुत खेला करते हो इतने कि तुमको कुछ सुधारता भी नहीं, कुछ समझता भी नहीं। और यकीनन जब निगेटिव ताकतें तुमको ऐसा तकलीफ दे रही, तो पॉजिटिव ताकतें ना तुम्हारी हिफाजत करने आ रही, तो तुम अगर मानेंगे और मान के तुम अगर अपने आप को पहले से दुरुस्त करके चलेंगे तो तुम महफूज होंगे। तुमको कोई गुंडा, डाकू, चोर तुम पे हमला नहीं करना बोल के तुम पिस्तौल पास में रख रहे, गन मशीन रख रहे, या कुछ भी सिक्योरिटी लेके चल रहे, पुलिस प्रोटेक्शन लेके चल रहे, मिलिट्री लेके चल रहे, एक्स वाई जेड, वो तुमको इंसान से इंसान का प्रोटेक्ट कराएंगे। सामने से कोई आतंकवादी, गुंडा कोई भी आ रहा तो उससे लड़ेंगे मिलिट्री, पुलिस तुम्हारा प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारे बॉडी का। जिन्नात आ रहा तो कहां से लड़ेंगे, जिन्नात दिखता नहीं, शैतान दिखता नहीं, आत्मा दिखती नहीं, चुड़ैल दिखता नहीं, जादू का वार दिखता नहीं, वो हल्लू से आता, घुसता, तुम्हारा बीमारी लगा देता, परेशान करता, सड़ा सड़ा के मार के भाग जाता। ये ऐसे दास्तान है, मैंने अपनी जबानी कोई कहानियां और किस्से नहीं सुनाया तुम्हारे लोगों को, प्रैक्टिकल में बताया मैंने अल्लाह के फजल करम से, कि अल्लाह के कलाम की ताकत क्या है तुम्हारा वो भी बताया मैंने, और जिन्ना शैतान की ताकत क्या है वो भी बताया, और अल्लाह के कलाम के सामने ये सब जेर है ये भी बता दिया। तो तुम करेंगे तो अमल, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इसलिए सबसे अहम बात मैं बोलूंगा तुमको, इबादत करना, इबादत के रस्सी को राह को मजबूती से थामो, और आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का अदब करो, अदब करो, वाजिब है तुम्हारा हुकूम का अदब करना। अगर अदब नहीं करोगे तो तुम वबाओं में नहीं, तुम बलाओं में नहीं, तुम आजाब में घिर जाएंगे। और बला और वबा हटा दे सकते, मगर आजाब कोई नहीं हटा सकता।
फिरौन का आजाब कोई नहीं हटा सका था क्या? शद्दाद का आजाब कोई नहीं हटा सका था क्या? नमरूद का आजाब कोई नहीं हटा सका था क्या? अबू जहल का, अबू लहब का, इनका कोई आजाब हटा सके क्या? तो नहीं हटा सकता आजाब इलाही को कोई, इसलिए आजाब से बचो अल्लाह के और अल्लाह के वलियों को, बुजुर्गान दीन को, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा बोलेंगे तो तुम यजीदियों में जाके शुमार हो जाएंगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन के घराने को बुरा किसने बोला था याद है ना तुम्हें? यजीद ने। क्या हुआ? यजीद की तरफ से तो उसके फौज में 20 लाख का कितने का लश्कर था, तो उसमें भी तो अंदर मुफ्तियां, खारियां, आलिमा, हाफिजा, बुखारियां सब थे। फिर क्या हुआ उनके कुरानों का, क्या हुआ उनके पढ़े वाले जिक्र अस्कार का, इबादत का, जो यजीद की फौज में शामिल थे? क्या होगा उनके नमाजों का, उनके सजदों का, उनके तहज्जुद के, अवाबीन के, चाश्त के, पांचों टाइम के फर्ज के, जुम्मा के फर्ज, ये एक फर्ज जो भी है, सारे सजदे सब क्या करेंगे? अल्लाह कबूल करेगा, रद्द करेगा? तुम खुद बोलो, उनके मुंह पे फेंक के मार में लगा देगा हशर के मैदान में, बोलेगा तुम्हारे सजदों की गरज नहीं है अल्लाह को, जो तुम 1-2 सेकंड का सजदा कर रहे, तुम्हारा सर सजदे में है और दिल दगलबाजी के अंदर लगे वाला है, वैसे सजदे थोड़े कबूल करता। सजदे करो तो अल्लाह के वली अल्लाह के जैसे सजदे करो, बुजुर्गान दीन की राह पे चल के, उनकी राह पे चल के, उनकी तरह सजदे करेंगे तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बनेंगी। तुम अगर नबी की राह छोड़ के भटक देंगे, आले रसूल की राह छोड़ के भटक देंगे, वली अल्लाह बुजुर्गान दीन की राह छोड़ के भटक देंगे, तो यकीनन यहूद व नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है, तुमको उल्लू बना के, बेवकूफ बना के तुम्हारा गर्क कर देंगे, हलाक कर देंगे, गई तुम्हारी दुनिया भी और गई तुम्हारी आखिरत भी। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि हमारी आखिरत और हमारी दुनिया ये सब सवार दे अल्लाह तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में, और तेरे अहले बैत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उनके घराने के तुफैल में। तुम अगर उनके घराने से मोहब्बत नहीं करते तो सरकार ने फरमा दिया अल्लाह है कि जिसने मेरे आल से मोहब्बत नहीं करा मैं उसकी शफात नहीं करूंगा हश्र के दिन। कहां जाएंगे शफात के वास्ते? तुम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने वाले, उन्होंने बोलेंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ, वहां से मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं मेरी शफात के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ, ईसा के पास जाएंगे, ईसा रूहुल्लाह भी बोलेंगे कि मैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ मेरी शफात के लिए। सब अपनी शफातों के लिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। फिर तुम कहां जाएंगे जब तुम्हारी शफात नहीं होगी? तुम उनके बच्चों को बुरा बोलेंगे, उनके आल के वास्ते अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगे तो तुम मिट जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। यहूद दो नसारा की चाल थी कि मुसलमानों को नबी की राह से कैसा भटका दे, तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल से कैसी कम कर दे। तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल से कम हो जाएगी तो फिर तुम्हारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, तुम जंग के मैदान में पस्त हो जाएंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे दुश्मन के सामने, उसके दुश्मन के तलवे चाटेंगे। तुम सारे तारीखें पढ़ो उठा के, पूरी तारीख पढ़ो, तारीख बिन ज़ियाद की पढ़ो, तारीख उठा के अर्तुगरुल गाजी की पढ़ो, उस्मान की पढ़ो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पढ़ो, जितने बादशाह गुजरे आलम इस्लाम के सबकी तारीख पढ़ो। सब पहले से मामूली थे, 2-2 टक्के के इंसान, जब उन्होंने अहले बैत की सैयदों की अदब करे, एहतराम करे, इबादत करे, तो फिर अल्लाह ने वो बुजुर्गान दीनों ने उनके वास्ते हक में दुआ करे। जरा पढ़ो ना, हर दौर में हर बादशाह के साथ कौन सा वली था, तुमको सब पता चल जाएगा। जब उन्होंने दुआएं करे तो जब जंग के मैदानों में फतह दिया अल्लाह ने, ऐसी फतह दिया कि हारते हुए जंगों को बाजियां पलट गए वक्त पे, हारती हुई बाजियों को जीत गए मुसलमानों ने। क्यों? क्योंकि दिल में मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे वो, और अहले बैत से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों से, उनके घराने थी। जो बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मैं सैयद, मेरे बाद मेरी बेटी अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयद, और फरमाए कि उनके बाद अगर कोई सैयद है दुनिया में तो मेरे वो दो बच्चे नवाज है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनकी नस्ल सैयद चलेंगी, बाकी दुनिया में कोई सैयद नहीं है। जो बोलते हैं ना हम हाशमी हैं, फलाने हैं, वो भी सैयद नहीं होते, वो जाते वो नबी के चचा दादू के उनके घराने जाते। अल्लाह ने जन्नत के अंदर लखब दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सैयद ना मौलाना मोहम्मद, मैं आपको सरदार का लखब देता हूँ, अल्लाह ने फरमाया, और सरकार ने वो लखब लाके अपनी बेटी और अपने नवासों को दिए थे, उनकी निस्बत से चलेंगे। बोले थे कि दुनिया के अंदर सैयद बोल के तो दुनिया में सैयद कम है, खून कम है, जो ब्लड लाइन जिसके सामने जिन्नात भी थरथर करते, शैतान भी इज्जत करते। क्यों इज्जत करते? जिन्नातों की भी जबानी पूछो, तुमसे तो तुम उनसे बदतर हो गए, जो जिन्नात कलमा नहीं पढ़ते हुए जो खबीस है वो तक अदब करते सैयद हो गए खून का, और बोलते कि हम तुम्हारा अदब इस वास्ते कर रहे कि तुम तुम्हारा जो खून है, तुम्हारा जो घराना है, जो तुम्हारी निस्बत है, जो तुम्हारी ब्लड लाइन है, तो वो इतनी आला घराने से अफजल है, बोल के हम तुम्हारा अदब कर रहे नबी के घराने से, बोल के। और तुम लोग ऐसे हो गए कि उनसे भी बदतर हो गए, खबीसों से बदतर, के कान क्या हम उन्हें भयका दिया, भयका दे रहे। यकीनन ये दौर के अंदर फितना रंगेज दौर चल रहा, एक पत्थर उठाने के बाद कैसे कीड़े निकलते, वैसे बुझ तुम आपको फितने में बांटने के वास्ते कीड़े निकले, वैसे उल्मा निकल रहे, डुप्लीकेट उल्मा, डुप्लीकेट कुरान, नौज बिल्ला, कुरान को याद कर रहे हो डुप्लीकेटा, और याद करके क्या कर रहे, तुम्हारा गलत फतवे दे रहे, तुम्हारा गलत सिखा रहे।
और समझ जाना कि वो यकीनन यहूदो नसारा का जासूस है, क्योंकि यहूदो नसारा ने हर दौर में तारीख उठा के पढ़ लो, हर जब तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना कि तुम्हारे खुले दुश्मन है, उन हर दौर में एक तुम्हारे अंदर फितना डालते हैं, आके क्या करते एक तुम्हारा बड़ा दीन के अंदर आ जाते, कन्वर्ट होके कुल कलमा पढ़ लेते, बड़े मुफ्ती खारी हाफिज बुखारी बन के फिर फतवे देते गलत, तुम गलत सिखाते। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी आखिर पढ़ो, सम एग्जांपल बताता मैं तुम्हारे को, एक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक आलिम आया और आकर ऐसे तकरीर देने लगा कि पूरे लोग उससे रुजू होने लगे, सब उसके हाथ पे बैत लेने लग गए, उसके चर्चे होने लगे पूरे शहर में, सुल्तान के महल तक पहुंचे, सुल्तान ने फरम सुल्तान के महल में वजीर आजम आके बोलता सुल्तान एक आलिम आने वाले बहुत नेक बखत है, बहुत अल्लाह वाले है, बहुत मुफ्ती खारी हाफिज आलिम सब उनके हाथ में बदले रहे, उनको इतना इल्म है, इतने कुरान याद कर लिए, तफसीरों के साथ में हदीस है, सब 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 फतवे दे रहे, उनसे सब राजी है। सुल्तान ने भेज बदले ले रात में और भेज बदल कर उसके पास पहुंचे और पहुंच कर बोले कि ए आलिम दीन शख्स जो भी है तुम, तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे तो बहुत अभी सुल्तान ने बोले नहीं, उसमें जाहिर नहीं करे मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, खाली इतना पूछे कि ए शख्स क्या आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हो, तुम्हें पता चला यानी कि तुम मुफ्ती खारी बुखारी फतवे दे रहे, तुम सब तुम्हारे फतवे मान रहे सारे जितने भी है तो उलमाएदीन, तो तुम शेखुल हदीस है, क्या तुम इस बारे में बताओगे मुझे मस्जिद अक्सा के बारे में क्या राय है तुम्हारी? तो शख्स ने सही करके बोला कि मैं मस्जिद अक्सा के बारे में ये राय देता हूं तुम्हारे को कि अभी उसको आजाद करने का छोड़ दो ख्याल है शख्स, छोड़ दो दिमाग से निकाल दो, अभी खाली अल्लाह रसूल को राजी करो। ये तुम्हारे साथियां भी बोलते हैं ऐसा, बहुत सारे आज नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं ना, बोलते छोड़ दो वो अल्लाह देख लेंगे, वो अल्लाह देख लेंगे, हाँ कौन सिखाया, किसके बच्चे किसके पोतरे हैं ये याद करो अब तुम, छोड़ दो वो अल्लाह देख लेंगे, बोले बेटे तुम सिर्फ क्या बोलते थे अपना अपना इबादत हदीस नमाज कुरान और हज को जाना वो करना ज्यारतें करना मक्का मदीना जाना ये सब सिखा रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मैडम का खंजर निकाले उसकी उंगली काट दी खच बोल के, और ये बदबख्त मलून बोले कौन है तू किसका जासूस है बोल, मैं तो अभी तेरा खंजर सीने के आर पार कर दूंगा, उसकी उंगली काट दी, ये उसकी उंगली काटते जो थर थर करने लगा, बोला नहीं 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 रुक जाओ मैं तुमको बोलता हूँ कि वो यहूदो नसारा ने मुझे यहाँ भेजे, मैं यहूदी था कन्वर्ट होकर आया और आकर तुम्हारे दिल से वो राह भटका दे रहा था, मैं तुमको राह फी सबीलिल्लाह जहाद की राह तुम्हारे दिल से निकाल दे रहा था, वो इसलिए निकाल दे रहा था कि तुम मस्जिद अक्सा की तरफ जाना नहीं ख्याल करना नहीं मस्जिद अक्सा को आजाद कराना नहीं कुछ नहीं बोल के, मैं कुछ यहूदियों ने भेजे थे, तो कितने तुम्हारे अंदर यहूदो नसारा ने बना के अंदर भेज दिया, जासूसा है जो तुम्हारे दाढ़ी कोई दाढ़ी रख देने से और सर पे टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता, कोई सर को तिलक लगा देने से कोई पंडित नहीं बन जाता। तो बहुत सारे बातें हैं, सोचो समझो, ये दौर ऐसा है कि पढ़ो खुद समझो, एजुकेशन का दौर चल रहा है इतना हायर एजुकेशन, समझो और समझ के महफूज रहो, अल्लाह तुम्हारे दीन की ये सबकी हिफाजत करे वबाओं से वलाओं से याफतों से और तुम्हारे गुमराह करने वाले चोरा निखटुआ नालायकों से, कोई जादूगर के दर पे नहीं जाना, कोई जादूगर तुम्हारे बर्बाद कर देते तो तुम्हारे चारों तरफ से तभी बर्बादी लगा देते, और जादूगर के हाथ में फैज नहीं रहता, फैज अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ में फैज देता और उनके हाथ से फैज पहुंचाता, और फैज तुमको जादूगर के दर से कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, आउट पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि वो शैतान का साथी है और शैतान की राह पर चलने वाला खाली किसी को जहमत दे सकता, पानी पे के बुलबुला जो आता ना उतनी देर तक के लिए जहमत दे सकता, और अल्लाह वाले बुजुर्ग आने दी वो पानी पे का जो बुलबुला रहता ना फुट फुट आकर फुट जाता है मैडम, वैसा उसको फोड़ के रफा दफा कर दे सकते, वो अल्लाह का निजाम है, वो अल्लाह फैज देने वाला है, अल्लाह की जात है, और अल्लाह खुद ने देता जमीन पे आके अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से देता। बहुत सारी बातें हम नहीं मानेंगे, जादू रहता शैतान रहता, हम बहुत बड़े एजुकेशन वाले हम बहुत बड़े हायर, अरे 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 सारा एजुकेशन घुसेड़ देते हैं, निकाल देते दिमाग जैसे किधर से डाल के किधर के दिमाग के नाक के रास्ते से घुसाते हैं मुंह के रास्ते से खींच लेते, इतना खतरनाक जादू टोना रहता, सारे बड़े से बड़े लोगों को पढ़ने में बेचारे बच्चे तरक्कियां कर रहे हैं उनके तरक्कियों के आड़े आ जाते हैं, उनके दिमाग को भ्रष्ट कर देते, उनको कोई तरक्की नहीं करने देते, कोई कमा रहा तो उसकी कमी के आड़े आ जाते, कोई कुछ कर रहा किसी सेहत अच्छी दिख रही तो क्यों दिख रही, कोई गोरा दिख रहा तो गोरा क्यों दिख रहा, खूबसूरत क्यों रहा, उसको जादू से ढाल दो कर दो, अरे बहुत तमाशे करते बहुत कुछ है, मगर इन सब का निचोड़ इन सब की एक ही बात है कि दुआ मोमिन का हथियार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई दुआ याद कर सकता, तुम यूट्यूब पे ऐसा डालो खाना खाने की दुआ तुम्हारे सामने आ जाएगी, इसकी दुआ पानी नहाने की दुआ तुम्हारे सामने आ जाएंगे, घर से बाहर जाने की दुआ तुम्हारे सामने आ जाएंगे, सब तुम दुआएं पढ़ के देंगे याद करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, वरना जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे फिर भीख, हर दर जाके फिर तुमको भीख मांगना पड़ता कि कोई तुम्हारे फैज देने वाला नहीं बैठे लाए अल्लाह के सिवा, और दूसरे लोग तुम्हारे बर्बाद कर देते भीख लगा देते वबाई में डाल के और ढकल के खत्म कर देते, घर कहाँ से आए थे नासिक, कौन से एरिया नासिक काजीपुर,
खैर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे और इबादत की राह को मजबूत स्थाना, कुरान पढ़ने का मामूल बनाओ, ऐसा एक मामूल बनाओ कि ये दिन मैं ये सूरह पढ़ूंगा, ये दिन मैं ये सूरह पढ़ूंगा, ये दिन मैं ये पढ़ूंगा। तो यकीनन तुम मोबाइल चलाते 10 घंटे, टीवी में पिक्चर देखते 3-3 घंटे का, तो क्या तुम 10 घंटे, क्या तुम 2-4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खुद के इबादत के लिए नहीं कर सकते क्या? इबादत ऐसी चीज है तुम्हारी दुनिया आखिरत सब संवार देती। और जादू टोने के वार ये बहुत अजीब गरीब खेल है, क्या बयान करूं मैं। और जादू टोने से भी खतरनाक चीज है कि अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन के बारे में बुरा नहीं सोचना, जबान पे अगर बुरे बुरे लफ्ज आ रहे भी या कुछ भी दिल में वसवस आ रहे तो फौरी इस्तग़फार पढ़ना। क्यों? तुम अगर बोलेंगे तो अल्लाह पहले से कुरान में फरमा दे रहा कि उनके उतना तकवा कोई नहीं कर सकते, उनकी उतनी इबादत वलियों की उतनी कोई नहीं कर सकते। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कुरान में फरमाता हकीकतन मायनों में कोई इबादत करता है वो अल्लाह का वली, हकीकतन मायनों में कोई अल्लाह से डरता है वो अल्लाह का वली। फिर तुम अगर उनको बुरा बोलिए तो फिर अल्लाह तुम पे आजाब ने घेर लेता। और आजाब अगर मैं तुमको बार बार बताता कि तुम्हारे पे का जादू टोना हटा दूंगा, तुम्हारे पे की भला बतराएं हटा दूंगा, जिन्ना शैतान सबको बाटन डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, मगर वबा कोई नहीं हटा सकते, आजाब इलाही कोई नहीं हटा सकते। आजाब इलाही अगर नाजिल होगा ना तो फिर बेटे गई, तुम्हारी नस्लें गई, सब गई, तुम्हारी दुनिया भी गई, तुम्हारी आखिरत भी गई, तुम पे नालत नाजिल हो जाती। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिए कि तुम फिर हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है। किसके ने जाएंगे शफात के वास्ते हश्र के दिन? हश्र का मैदान में ऐसा जाना पड़ेगा उठ के जैसे अभी जिंदे बैठे हैं ना, जैसे देख रहे बैठ के सुन रहे, तो वैसा ही जिंदा तुम आप रीढ़ की हड्डी से बुनूंगा अल्लाह ने फरमाया, और उठा के रिटर्न भेजूंगा हश्र के मैदान में। जैसे अभी तुम है ना वैसे उठ के जाएंगे चलते फिरते हुए, गर्मी धूप प्यास अभी कैसी महसूस हो रही तुमको, सेम वैसा तुम्हारा जिस्म बुना देगा। फिर जन्नत और दोजख का फैसला होगा, जन्नत में ढके ले जाएंगे या दोजख में ढके ले जाएंगे, सेम ये जिस्म के साथ जाने वाले। ये सब बातों से परहेज करो, इबादत है जो तुमको ढाल बन के बचेंगी हर वक्त, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा। चलो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे।